सिंगरौली से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। पति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लाठी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पति ने भी फांसी लगा ली। घटना माड़ा थाना अंतर्गत कुम्हिया गांव की है, जहां पति ने चरित्र संदेह के चलते महिला के प्राइवेट पार्ट में लाठी से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पति ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कुम्हिया गांव के हरिजन बस्ती निवासी जवाहरलाल साकेत ने अपनी पत्नी प्रमिला साकेत पर चरित्र संदेह के चलते पिटाई की थी और उसको लहूलुहान कर दिया था, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। वहीं इस खबर को सुन आरोपी जवाहरलाल साकेत ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, ये थाना माड़ा क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक साकेत परिवार था, जिसमें ये जानकारी ली कि एक महिला है जिस मारपीट के कारण से मौत हो गई है। वही पुलिस की जानकारी ली कि उसके पति के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और बहुत ही विवश तरीके से उसके टांग में एक डंडी डाल दी गई, जिसके कारण से उसकी मौत हुई थी चोट के लगने के कारण। और पुलिस जब मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने सारा कुछ प्राथमिक रूप से कार्रवाई करते हुए जांच की, पड़ताल की और पता लगाया पति का। तो पति भाग गया था, पुलिस ने काफ़ी तलाश किया और उसका पतासाजी नहीं चली। पुलिस के द्वारा पति के विरुद्ध 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। आज सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि जो आरोपी पति था, उसने भी फांसी लगा दी है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच की तो उसने मर्ग कायम कर लिया है। और लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा संभवतः गिलानीवश फांसी लगाई गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।